आंखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं उस गीत को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कनिष्क, आई एम प्राउड ऑफ हिम। वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग टी सीरीज़ के साथ एसोसिएट हुए हैं। सितारा के बाद लोगों को समझ में आया कि कविता सेठ नाम की कोई सिंगर है, कि जो नशा इस म्यूज़िक में है वो किसी और में नहीं है। मेरे सनम के ख्वाब, कविता जी बहुत स्वागत है एनआई में आपका। क्या कहता है आपका नया गाना? एक सूफियाना रंग का कलाम है, सैयद ज़िया अलवी साहब ने लिखा है कि आँखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, कि मतलब आप हर वक्त उसी रंग में रंगे रहते हो उस ईश्वर के लिए, उस खुदा के लिए, उस एनर्जी के लिए। लेकिन जिस तरीके से विजुलाइज़ किया है और बहुत खूबसूरत सा वीडियो बनाया है, तो वो एक अलग स्पेस में गया है लेकिन बहुत ही क्लासी बना है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं उस गीत को, और कनिष्क ने जो इसका म्यूज़िक बनाया है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। क्या कहते हो कनिष्क के माँ बेटी की जोड़ी, गाना रोमांटिक, क्या मम्मी क्या सिखा रही हैं आपको? मम्मी तो अच्छे संस्कार ही दे रही हैं, बट एक्चुअली हमें बहुत पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे ये कोलैबोरेशन में, कि हम ऐसे सूफियाना कलाम या कोई ठुमरी हो या कोई भी सेमी क्लासिकल क्लासिकल बेस्ड कॉम्पोजिशन हो, उसको कैसे हम एक तरीके से और कंटेम्प्रेरी बना सकते हैं जिससे और ज़्यादा लोग सुने। तो आई थिंक संस्कार यही दे रही है कि बेटा ये मेरी धुन है पर तुम अपने अंदाज से म्यूज़िक बनाओ और जिससे ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। इस रिश्ते की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से कितना मदद मिलती? मतलब एज इन मैं कभी ऐसे, मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि इतनी बेहतरीन कॉम्पोजिशंस मुझे सुनने को मिलती हैं एंड देन आई ऑल्सो गेट टू वर्क ऑन इट। तो ये मदद मुझे मिलती है कि एक बहुत ही बेहतरीन बनी बनाई कॉम्पोजिशंस को मैं सुनता रहता हूँ, फिर मैं भी उसमें कुछ इनपुट दे सकता हूँ, फिर मैं उसको प्रोड्यूस करता हूँ, फिर तो पूरी दुनिया सुनती है। और वही मैं कहना चाह रही थी कि हम दोनों की जो बॉन्डिंग है वो एक ठीक है, मदर सन रिलेशन अपनी जगह है, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तो एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है। मैं ये नहीं कि मैं सीनियर हूँ तो मैं जो बोलूँगी वही थोपना नहीं है, और या ये कुछ कर रहा है तो उस चीज़ को भी उतनी रिस्पेक्ट देना, तभी एक कोई गाना फ्लरिश कर पाता है। और एक आप जब भी सुनते हो तो एक वो एक कनेक्ट फील कर पाते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं जहाँ पर ये होगा कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही करना, या कनिष बोलेगा कि नहीं मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही करना, जहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो वो उस गाने की एनर्जी ही पूरी बदल जाएगी। तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि एक वो उस क्रिएटिव स्पेस में हम दोनों एक दूसरे को स्पेस दें और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन करके निकले। ऐसा तौर से आपको सूफी सिंगर के तौर पे जाना जाता है, इसमें कितना आप इसकी में ये खूबी देखते हैं या इसको सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं क्या आप? नहीं, कनिष्क बहुत ही सोलफुल सिंगर है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, जिन गुरुजी के पास मैंने क्लासिकल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा था वो मेरे से बोले थे कि कविता इसको छेड़ना मत कभी भी, ये बहुत प्यारी सोल है और इसका जो दिल करे संगीत में उसको करने देना। तो उसके बाद से तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ पहले भी नहीं बोलती थी, लेकिन तब से और भी ज़्यादा, कि ये बहुत ही प्योर सोल है और मैं ब्लेस्ड हूँ कि ये मैं इस जन्म में इनकी माँ के रूप में हूँ, और मुझे बहुत अच्छी सोल मिली है, म्यूजिकल सोल, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कनिष्क, आई एम प्राउड ऑफ हिम। जो बॉलीवुड में सिंगर्स होते हैं जो एक कमर्शियल गाने बनते हैं, सूफी सॉन्ग वैसे भी कम आते हैं, जी के आने से कुछ सिंगर्स का दायरा बड़ा है, संगीत का कुछ दायरा, क्या आपका क्या है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, फिल्म को की एक लिमिटेशन होती है ना, आप खाली डिपेंड नहीं रह सकते कि अरे अब वहाँ फिल्म बनेगी मुझे मिलेगा गाना तब मैं गाऊँगी तब वो चलेगा, तब उसमें कितने सालों निकल जाएंगे पता नहीं। OTT प्लेटफॉर्म्स आने से इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो सबको काम मिल रहा है कुछ ना कुछ, चाहे एज ए कंपोज़र एज ए सिंगर, तो मुझे लगता है बहुत वास्ट हो गई ये चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है कि सबको काम मिल रहा है और मिलना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। टी सीरीज के साथ काम करके कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना फ्लॉलेस हमारा ये सॉन्ग के साथ में जो
मतलब जो एग्रीमेंट से लेकर के पूरा जो शूट हुआ है, जिस तरीके से पूरी टीम सपोर्टिंग है, इतना ज़्यादा अच्छा कि बहुत ही फ्लॉलेस गया है थ्रू आउट। हमें कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए ज़रा सा भी नाक भौनी सिकोड़ना पड़ा कि अरे ये क्यों कर दिया, अरे ऐसा क्यों। आगे से आगे वो लोग इतना अच्छे से प्लान कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो मतलब इस गाने की मैं कहूँगी का मुकद्दर बहुत अच्छा है, और वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग टी सीरीज़ के साथ एसोसिएट हुए हैं, और ये गाना फ्लरिश करेगा, हम और आगे भी इस तरीके की चीज़ें कर पाएंगे। आपसे बात करें और एक तारा की बात ना हो, ओ बाप, बहुत मुश्किल है। क्या बदलाव आया आपके एक तारा की सफलता के बाद, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? सबसे बड़ा चेंज ये आया कि मैं तो बचपन से ही गा रही थी। एक तारा के बाद लोगों को समझ में आया कि कविता सेठ नाम की कोई सिंगर है जिसने एक तारा गाया है, तो थोड़ी सी समझ आ गई लोगों को। और थोड़ा सा अदरवाइज़ जब तक आपका नाम नहीं होता है लोग उतना अहमियत नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसा है। तो आफ्टर एक तारा लोगों को चमका कि भाई है कोई। कुछ किस्सा शेयर करना चाहेंगे एक तारा के रिकॉर्डिंग के दौरान, या कोई ऐसा अच्छा कोई यादगार किस्सा बन गया आपका? जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये गाना इतना बड़ा हो जाएगा और हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो मैंने नेक्स्ट डे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था गा के। मैंने अमित को नेक्स्ट डे मॉर्निंग फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने अच्छा नहीं गाया, मुझे फिर से गाना है वो गाना। तो अमित बोला वो तो गया मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, और उसके बाद तो सारी जगह नॉमिनेशन था, सब जगह अवार्ड मिले। तो जब हम फाइनली अमित से मिले तो अमित बोले आप तो कह रही थी आपने अच्छा नहीं गाया, आपको तो इतने सारे नॉमिनेशन हुए, इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, अच्छा गा लेती तो क्या होता। मैंने कहा फिर शायद हम ऑस्कर्स में जाते इस गाने को लेकर के। जो पुराना दौर था वो लाइव सिंगिंग का दौर था, लाइव इंस्ट्रूमेंट होते, आज ऑटो ट्यून का जमाना है जी। इसीलिए यंगस्टर से यूथ से सवाल जानना चाहता हूँ जी, आपको क्या अम्मे और अम्मे क्या बेटर लगता है, क्या प्रॉब्लम? सी, ये जो भी टेक्नोलॉजी बनती है वो आपका काम आसान करने के लिए होती है, पर हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों ही होते हैं, एंड इट इज़ अप टू द आर्टिस्ट एंड द क्रिएटर कि उसको कैसे यूज़ करे। तो और अगर मैं स्पेसिफिकली ऑटो ट्यून के बारे में बात करूँ, उसके एडवांटेजेस यही है कि जो भी छोटे बहुत यू नो माइन्यूट जो भी अगर सुर यहाँ से वहाँ हो गए तो उसको करेक्ट कर दे फॉर वॉट एवर रीज़न, अगर वो परफॉर्मर नहीं आके नहीं आ सकते कर सकते हैं, सो फॉर दैट यू यूज़ इट, एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि आजकल हर एक स्टूडियो में हर एक कंपोज़र हर एक प्रोड्यूसर ये यूज़ करता है टू करेक्ट माइनर थिंग्स। बट जब आप इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करने लग जाते हैं फॉर लाइक वेरी यू नो बहुत हार्ड ट्यून करने लग जाते हैं, तो फिर वो बहुत एविडेंट हो जाता है एक तो रिकॉर्डिंग में, ऊपर से ऑब्वियसली आप वही चीज़ लाइव में रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि जब आप एक ख़राब परफॉर्मर हैं तो आपकी परफॉर्मेंस लाइव में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो भले ही आप दुनिया के लिए छुपा लें कि भाई अरे नहीं, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता, तो वो बहुत पता लगता है। तो उसका उपयोग सबको ही करना चाहिए एक तरीके से, पर अगर एज एन अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं, एंड यू नो इफ द परफॉर्मेंस इज इफ एन एक्सप्रेशन इज रियली नाइस बट उसमें थोड़े बहुत सुर थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हो गए, देन यू यूज़ इट, बट नॉट फॉर लाइक यू नो यूज नॉट मेकिंग इट अ नेसेसिटी इन योर लाइफ। अपने आबिदा परवीन जी के साथ भी परफॉर्म जी 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 हाँ, उससे जुड़ा कोई अच्छा किस्सा बताइए, कोई याद है जहाने खुसरो में मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम, और वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो अब मुझे लगा कि मुझे सूफ़ी संगीत करना है क्योंकि जो नशा इस म्यूज़िक में है वो किसी और में नहीं है। तो आबिदा जी एक बहुत बड़ा मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। और मैंने जब हम लोग जब रिहर्सल्स करते थे दिल्ली में, तो जब वो गाती थी तो गूज बम्स आते थे, इतना सुंदर लगता था, और सारे सूफ़ी म्यूजिशियंस वर्ल्ड वाइड आए हुए थे। फिर तो मतलब ठान ही लिया था कि नहीं भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे गज़ल नहीं करनी है, मतलब सब साइड में रह गया। उसके बाद मैंने डीपली सूफियाना संगीत सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया सूफियाना पोइट्री, लोग मौलाना रूमी के बारे में जाना, उन पे पढ़ा, बुल्ले शाह को पढ़ा, कबीर को पढ़ा, मतलब डीपली मैंने तब वो सारी चीज़ें स्टडी करना शुरू करी आबिदा जी से मिलने के बाद। तो क्रेडिट गोज टू हर, मैं इस लाइन में आई हूँ उसके लिए उनका शुक्रिया। मैं जब म्यूज़िक सुन रही होती हूँ तो मेरे फेवरेट हैं
मदन मोहन जी की जो कॉम्पोजिशन है, मदन मोहन जी एंड लता जी का कॉम्बिनेशन, वो आबिदा जी, नुसरत फतेह अली खान साहब, जगजीत सिंह, इन लोगों को ही सुनती हूँ ज़्यादातर। आप किसको सुनना पसंद करते हैं? कविता सेठ हर दिन उनको ही सुन के तो बड़ा हुआ हूँ मैं, बट ऑलमोस्ट एवरी अदर आर्टिस्ट और हर तरीके का म्यूज़िक, मैं मुझे जॉन मेयर बहुत पसंद हैं, बाहर के आर्टिस्ट हैं, एंड जगजीत जी बहुत ज़्यादा, जगजीत जी को तो बहुत सुना है, उनके भजन बहुत सुने हैं, उनकी गज़लें तो सुनी है बट भजन भी बहुत सुने हैं, एंड सारे जितने भी अगर वो गज़ल आर्टिस्ट हैं या सूफी आर्टिस्ट हैं उनको बहुत सुना है, बहुत इंडियन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सुना है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बनाते हैं। मेरा बचपन एक तरीके से कर्ष कले और मिडिवल पंडित्स को सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, एंड ट्रांस म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ और वर्ल्ड म्यूज़िक इन जनरल। और ये सारी जो दुनिया भर की म्यूज़िक है उससे मुझे कनिष्क ने और कविश ने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्लासिकल गज़लें कवालियाँ ये सुनती थी, दुनिया भर का जो म्यूज़िक है उससे इन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मैं नहीं सुनती थी कुछ भी, तो मज़ा आता है सुन करके, थोड़ा कान तैयार हुए अभी। बचपन की बात की, मम्मी गाने सुने या बचपन में डांट भी पड़ी? नहीं, आई डोंट, मॉम कभी इतना नहीं, शरारती तो थे हम दोनों ही थे, बट इतनी डांट नहीं पड़ी है, मतलब ऐसी शरारत नहीं करी है जो जिससे भाई थप्पड़ अप्पड़ खाएं हम, वो सिर्फ पिताजी से दो तीन बार खा ली थी बचपन में, बट फिर सबक भी मिल गया था। क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल हाँ, ये बहुत टैलेंटेड था कनिष्क, दोनों ही, कविश तो बचपन से वो भी गा रहे हैं, बड़े वाले जो बेटे हैं इसको तो, मतलब मैंने, हमने ये 4-5 साल का था वायलिन स्टार्ट करवा दिया था, फिर ये स्केचेस बनाता था तो इसको आर्ट टीचर लगवा दिया, फिर देखा कि इसका फ़ोटोग्राफी का सेंस बहुत अच्छा है तो फ़ोटोग्राफी के कोर्सेज करा दिए, फिर लगा कि फ़िल्म डायरेक्शन का कोर्स तो फिल्म, मतलब इससे रिलेटेड उसको 360 डिग्री जो जो कोर्सेज कराने थे छोटे छोटे, थिएटर कराया, फिल्म डायरेक्शन कराया, फ़ोटोग्राफी कराया, और पता नहीं सब कुछ। I just feel like a 16-year-old listening. हाँ, साउंड इंजीनियरिंग, जब इसको साउंड इंजीनियरिंग का मतलब स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, क्लास 5 में था तब उसमें डाल दिया, तो वहाँ जाता था कहता मुझे इतनी मोटी मोटी किताब दे देते हैं, उससे कुछ प्रैक्टिकल नहीं करा रहे, तो फिर मिस्टर सेठ ने उनके लिए एक साउंड इंजीनियर बुलाया जो उस टाइम पे कितना ज़्यादा चार्ज करते थे, 1 घंटा उसको उस पर लैप कंप्यूटर पे सिखाते थे कि कैसे रिकॉर्डिंग होती है, क्या क्या मीनिंग होते हैं, तो मतलब ये क्लास 5 में से ही इनको पता नहीं क्या क्या चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी गई थी, और इसका जब फिल्म डायरेक्शन के लिए कोर्स में एडमिशन कराया, मिस्टर सेठ ने एडमिशन लिया क्योंकि 18 साल से छोटे बच्चे नहीं ले सकते, तो वो बाहर बैठे रहते थे, ये अंदर कोर्स, तो पता नहीं क्या क्या हुआ इसको, मतलब बहुत जल्दी ही, और 14 साल की उम्र से इसने मेरी वो एल्बम की थी ट्रांस विद खुसरो, जो 5 साल में कंप्लीट हुई थी, 4 साल में कंप्लीट हुई थी, हाँ 5वें साल में रिलीज हुई थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।